हमारी इस्लामी तारीख की जिन शख्सियात से मैं कुरान का तालिबे इल्म सबसे ज्यादा मुतासिर हूं, सहाबा और ताबईन के बाद आइम्मा अरबा के बाद उनमें शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह का नाम सरे फहरिस्त है। मुजाहिद भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, आलिम भी थे, हुक्मरानों के सामने डट के बात करने वाले भी थे, जेल की सलाखों के पीछे जाकर भी कलमे हक कहने वाले भी थे। हत्ता के ऐन जेल की हालत में इनका भाई कहता है कि हमने 50 दफा कुरान का दौर मुकम्मल किया था। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह का फहमे दीन बड़ा अजीम है। हमने अपने दीन को गलत तरीके से पेश किया है और गलत तरीके से उसे समझा है। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि बास दफा कबीरा गुना उतना जुर्म नहीं होता जितना सगीरा गुनाह को आदत बना लेना जुर्म हो जाता है। फिर वो उसकी मिसाल देते हैं, कहते हैं अगर एक शख्स से जिना हो गया ये कबीरा गुनाह है, जब उससे जिना हुआ वो शर्मिंदा हुआ, उसने तौबा की, उसने आंसू बहाए, उसने रब्बे करीम से माफी मांगी। फरमाते हैं बाज दफा तौबा की वजह से, आंसू की वजह से उसके दिल में वो आजिजी पैदा हो जाती है, वो शिकस्तगी पैदा हो जाती है और वो अपने आप में रब के सामने अपने आप को इतना जलील और हकीर महसूस करने लगता है कि अल्लाह इस कैफियत की वजह से उसे वो मकाम दे देता है इस सच्ची तौबा की वजह से कि शायद उससे गुनाह ना हुआ होता तो उसको वो मकाम ना मिलता। इसके बरक्स एक शख्स जिना नहीं करता लेकिन उसको आदत है बुरी निगाह की, उसको आदत है लोगों की इज्जतों के साथ गपशप करने की, उसको आदत है कभी इसकी बहन को छेड़ा, कभी उसकी बेटी के पीछे पड़ा रहा, कभी उस बहू के सामने उसको बुरी निगाह से देखता रहा, कभी उसके साथ गलत ताल्लुक, कभी उसके साथ गलत बातें, कभी उसके साथ गलत बातें, कभी उसके साथ गलत बातें, और उसने इसको आदत बना लिया है और वो समझता है कि मैं कौन सा बड़ा गुनाह करता हूँ, मैं तो बात ही करता हूँ, मैं तो देखता ही हूँ, मैं तो गपशप ही करता हूँ, मैं तो बातें ही करता हूँ, मैं तो माशके की हद तक ही रहता हूँ, मैं तो शायरी और गजल की हद तक ही रहता हूँ। शेखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रहिमहुल्लाह फरमाते हैं इसकी बुरी आदत की वजह से जो इसके दिल में सख्ती पैदा हो जाती है, जो इसके दिल में अल्लाह की अजमत खत्म हो जाती है और अल्लाह की नाफरमानी को ये नाफरमानी ही नहीं समझ रहा होता, जब वो इसको आदत बना लेता है तो इसका जुर्म एक दफा जिना करके तौबा करने वाले से बड़ा हो जाता है। इस गलत फहमी में भी हमें फहमे दीन से बहुत दूर किया है और हमने आज इसी गलत फहमी ने हमारे नौजवानों को कहां खड़ा कर दिया, उनके मोबाइल, उनके मेमोरी कार्ड, उनके लैपटॉप, उनके सारे के सारा डाटा, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेजेस, हमारी यूनिवर्सिटी, हमारे चौक, हमारे चौराहे, हमारी गलियां, हमारे मोहल्ले, हमारे टीवी, हमारे चैनल्स, हमारे यूट्यूब के मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स, हमारी वेबसाइट के पेजेस, हमारे फेसबुक के सफा, सारे के सारे इसी गंद ही से तो भरे हुए हैं। बेशक वो पाकीज़ा लोग हैं, कबीरा गुनाह नहीं करते हैं, हमारा उसमें जन होगा उनके बारे में, लेकिन जब 24 घंटों में से आप 7-8 घंटे इस गंद के अंदर गुजारेंगे तो अल्लाह की निगाहों में आपकी क्या अहमियत होगी। इमाम इब्ने क़य्यिम अल-जौज़िया रहिमहुल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं आपकी दुकान का वो मुलाजिम जो दुकान पे नहीं आया, बाज़ दफा उसका जुर्म छोटा होता है,
उस मुलाजिम से जो दुकान पे आकर भी आप कहते हैं ऐसे करो वो उल्टा करता है, आप कहते हैं ऐसे करो वो उससे उल्टा करता है, छोटी छोटी बातों में आपको सारा दिन परेशान करता रहता है। वो एक दिन गैर हाजिर रहने वाला मुलाजिम बाज दफा आपको उस मुलाजिम से अच्छा लगता है जो 10 घंटे ड्यूटी भी देता है, तो कभी इधर से तंग करता है, कभी उधर से तंग करता है, कभी इस चीज को छेड़ता है, कभी उस चीज को छेड़ता है, कभी यहां से टीज करता है, कभी वहां से टीज करता है। इमाम इब्ने कय्यिम अल-जौज़िया रहिमहुल्लाह तआला के एक मिसाल की रोशनी में मैं दीन का तालिबे इल्म अर्ज करता हूं कि कबीरा गुनाह करके तौबा कर जाने वाला और गैर हाजिरी एक रकम करवा लेने वाला उससे बड़ा मुजरिम होता है बाज़ दफा वो इंसान जो हर वक्त ही छोटे छोटे गुनाहों में अल्लाह की नाफरमानी करता रहता है और परवाह भी नहीं करता। बाज़ दफा वो छोटा गुनाह जुर्म नहीं होता, उस छोटे गुनाह के बाद जो आपकी फीलिंग्स हैं, जो आपके जज्बात हैं, जो आपके दिल में अल्लाह की कदर है, जो आप ये महसूस करते हैं कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया, मैंने क्या किया, इससे क्या फर्क पड़ता है, गोया कि आप अल्लाह की अजमत को उस वक्त चैलेंज कर रहे होते हैं। तो ये कैफियत, इस तरह के अल्फाज उस छोटे गुनाह को भी बड़ा बना देते हैं।